हैं। ये दुनिया के लिए एक अजूबा है। What is up to so, काफी ज्यादा एक्साइटिंग सामान आ गया भाई के पास। Hello, I'm Shlok and you're watching Tech Burner. हमने बहुत ही अजीबोगरीब काम कर रखे हैं। पार्टी के अंदर कंप्यूटर बना रखा है, मोबाइल के ऊपर साइबर पंक चला रखी है, फोन को हवा में उड़ा रखा है। 21st सेंचुरी में इस दुनिया ने बहुत ग्रोथ की है, उसमें सबसे बड़ा हाथ है टेक्नोलॉजी का, और इस टेक्नोलॉजी में इंडिया भी बहुत आगे है। और इंडिया के टेक चैनल्स की बात करें तो बहुत बुरा हाल है, लाइक टेक्निकल गुरुजी, उन पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप चाहो तो देख सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन उन्हीं लोगों में से कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, उनमें से एक है टेक बर्नर, जो आज बात करेंगे हम डीजे राजेश के बारे में। डीजे राजेश तो आज की इस वीडियो में हम टेक बर्नर की ग्रोथ जर्नी के बारे में, सीक्रेट्स और कुछ टिप्स और इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले टेक बर्नर के चैनल पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स अभी पूरे होने वाले हैं और डेली 7 to 8,000 सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, और लास्ट 30 डेज में व्यूज़ की बात करें तो वह है 50 मिलियन व्यूज। लेकिन ये सीधा 50 मिलियन व्यूज नहीं आने लग गए थे, 50 व्यूज भी आते थे ओनली, हाँ ओनली 50 व्यूज पर वीडियो। सो शुरू से शुरू करते हैं। टेक बर्नर का नाम श्लोक श्रीवास्तव है और ये टेक गैजेट से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। इन्होंने चैनल 2014 में स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में इंग्लिश में वीडियो बनाते थे, अभी हिंदी में बनाते हैं। इन्होंने बीटेक किया था और अभी ये मल्टीपल करोड़ में कमा रहे हैं। एक टाइम था जब इन्होंने अपनी प्लेसमेंट छोड़ी थी और डिसीजन लिया था कि अब ये फुल टाइम यूट्यूब करेंगे, तब इनके शायद 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे। इन्होंने बहुत मेहनत की, हिंदी में वीडियो बनाए और आज इनके आप देख सकते हो आपके सामने 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स अचीव करने वाले हैं। ये माइलस्टोन इनका कंप्लीट होने वाला है। इनके चैनल की आइडेंटिटी बन चुकी है कॉमेडी और टेक को मिलाकर वीडियो बनाते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मुझे टेक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इनके वीडियो देखता हूं। रियल में इनके वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और क्वालिटी की बात करें तो वो तो टॉप नॉच है, स्पेशली इंडिया में। तो टेक्निकल गुरुजी से तो लाख गुना बेटर है, क्योंकि ये किसी भी चीज का फेक रिव्यू नहीं करते हैं और किसी भी चीज में, किसी भी गैजेट में क्या प्रॉब्लम है, क्या सही है, क्या अच्छा है, सब कुछ अपनी ऑडियंस को बता देते। टेक्निकल गुरुजी की तरह ओवर कंसिस्टेंसी से वीडियो भी अपलोड नहीं करते हैं, और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी चीज लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो उसकी वैल्यू खत्म सी हो जाती है और ऑडियंस में वो बात नहीं रहती। ऐसे लगता है कि अरे यार हर रोज इनका वीडियो आता है, देख लेंगे बाद में, जैसे बॉलीवुड में अक्षय कुमार की हालत है वैसा हालत हो जाती है। टेक बर्नर की जो सबसे खास बात है वो है कि वो अपने वीडियो में जोक मीम्स ऐड करते हैं, मतलब कॉमेडी और टेक दोनों का कॉम्बो है टेक बर्नर, जो उसे टेक कैटेगरी में सबसे अलग कर देती है, और इसी वजह से उनके व्यूज वॉच टाइम ज्यादा आते हैं, ऑडियंस रिटेंशन बना रहता है। सेकेंड चीज जो है वो है कि यार बंदे ने अपनी एक प्रॉपर आइडेंटिटी बना ली है, स्माइल वाली, फेस पर स्माइल रहती है। देखकर मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है कि यार इस दुनिया में जो सबसे हैप्पी इंसान है भाई वो यही है, मजा आ जाता है इनके वीडियो देखकर। YouTube ग्रोथ की बात करें तो ये अपनी ऑडियंस को फर्स्ट ही मानते हैं, इनके टाइटल्स और थंबनेल सबसे अलग होते हैं, ऑडियंस को मिसलीड नहीं करते हैं, टाइटल और थंबनेल देखकर पता चल जाता है कि वीडियो किस बारे में होने वाली है, जिस भी गैजेट का रिव्यू कर रहे हैं वो दिख जाता है क्लियर। और मुझे इनके थंबनेल्स में जो सबसे बेस्ट चीज लगती है कि यार एक भी टेक्स्ट यूज नहीं करते हैं पूरे थंबनेल में, और ऑडियंस को फिर भी समझ में आ जाता है कि वीडियो में क्या मिलने वाला है। इनके फेस का एक्सप्रेशन सेम सा ही होता है हर एक थंबनेल में, लेकिन कैची सा टाइटल और क्लियर गैजेट ये बहुत मस्त चीज है। इसमें थंबनेल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हर किसी से ऐसा थंबनेल नहीं बना करता है यार। ओके, अब बात करते हैं टेक बर्नर की इनकम के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं यूट्यूब एड रेवेन्यू से, जो सोशल ब्लेड के अकॉर्डिंग वो 12 से 13 हज़ार डॉलर कमा रहे हैं, और इससे ज्यादा ही होगा, और इससे 2-3 गुना तो वो स्पॉन्सरशिप से और ब्रांड से कमा रहे हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे चैनल जो आपको ये दिख रहे हैं ये सारे चैनल इन्हीं के हैं, और इनके कुछ बिजनेस भी हैं, जो पहला है वो है ओवरलेस क्लोथिंग ब्रांड वाला, और जो दूसरा है वो है मोबाइल स्किन का, जो लेयर्स के नाम से है, कुछ दिनों पहले ही इन्होंने ये लॉन्च किया था। लेकिन कुछ दिनों पहले इनके ऊपर एलिगेशन भी लगा था, पार्थ मसरानी ने लगाया था कि उनका भी एक मोबाइल स्किन का सेम बिजनेस है। एलिगेशन ये था कि टेक बर्नर ने उनकी वेबसाइट के जो पोर्शन ऑफ कोड्स हैं और मॉकअप्स हैं को उनको कॉपी किया है। उस पर टेक बर्नर ने भी रिएक्ट किया और टेक बर्नर ने अपोलाइज भी किया है कि हाँ मानते हमने कॉपी किया है, लेकिन उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने वेबसाइट को जो डेवलप करवाई थी वो फ्रीलांसर से करवाई थी, लेकिन वो अब उसके जो पोर्शन ऑफ कोड्स हैं और मॉकअप्स को हैं उन्हें रिमूव कर रहे हैं। लेकिन पोर्शन ऑफ कोड्स और मॉकअप्स के अलावा बाकी सब टेक बर्नर का अपना खुद का ओरिजिनल है। लेकिन हम बात कर रहे थे टेक बर्नर की इनकम के बारे में, तो ये सारे बिजनेस और यूट्यूब एड रेवेन्यू से मिलाकर और जो भी वो ब्रांड से पैसे लेते हैं रिव्यू करने के और स्पॉन्सरशिप के, ये सारे मिलाकर वो मल्टीपल करोड़ में कमा रहे हैं हर महीने, मल्टीपल करोड़ में। यार कितना पैसा, आप उनके मुंह से सुन लो। हाउ मच आर यू अर्निंग?
आई डोंट लुक एट द रेवेन्यू शीट्स, मतलब लाइक बहुत ही कम, और लाइक मेरे को भी एग्जैक्टली बहुत एक्यूरेट आइडिया नहीं होगा, एकदम मैं एकदम ऑनेस्ट समझ बताऊँ, क्योंकि लाइक दिस मल्टीपल बिजनेसेस और सबका टर्नओवर अलग से कैलकुलेट होता है, बट आई वुड से कि लाइक मंथली करोड़ के अराउंड रहता है, मतलब लाइक मल्टीपल करोड़ एवरी मंथ। और टेक बर्नर के बारे में अगर आपको अलग से जानना है कि उनके कौन कौन से बिजनेस है, किस किस बिजनेस से उनकी कितनी कमाई होती है, यूट्यूब एड रेवेन्यू से कितने लेते हैं, स्पॉन्सरशिप से उनके कितने मिलते हैं, और जो वो ब्रांड से जो उनके रिव्यू करते हैं गैजेट्स के, उनके ब्रांड्स के रिव्यू करने के लिए कितने लेते हैं, उनकी टोटल नेटवर्क कितनी है, इन सब के बारे में एक अलग से वीडियो बन सकता है, उसमें हम बात करेंगे। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप कमेंट कर देना, उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और यार कमेंट करके बताओ कि आपको टेक बर्नर की कौन सी चीज़ सबसे बेस्ट लगती है। मुझे तो वो लगते हैं जो वो टेबल पर मारते हैं, टेबल पर हाथ मारते हैं, टेबल को मारते हैं, वो सबसे बेस्ट चीज लगती है मुझे तो, जो भी है वो लगती है। आप कमेंट करके बताओ आपको कौन सी लगती है। हर वीडियो के लिए नई टेबल तोड़नी